तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बुड़ियर और आज देख रहे हो वही हमारा जो चल रहा है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन। तो आज हम देख रहे हैं स्क्रॉल बार कंट्रोल। जो स्क्रॉल बार देख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पे एक स्क्रॉल बार देख रहे हो, ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें कुछ भी नीचे ऊपर करना रहता है, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जो रहता है वो बड़े रहते हैं, तो हमें वो मतलब एक ही इतने इतने विंडो में वो पूरा नहीं समाता है। इसके लिए हमें स्क्रॉल बार का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो नीचे ऊपर करके हम उसको पूरा देख सके, क्योंकि वो एक ही बार में पूरा तो आ नहीं सकता ना इधर, तो इसके लिए हम उसको नीचे ऊपर करते हैं। तो ये है यूज स्क्रॉल बार का। ये आप उसमें लिख सकते हो और बस ये मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, यू कैन सेट द प्रॉपर्टी यूएसएफ कोड, मतलब टेक्स्ट बॉक्स को भी आप ये प्रॉपर्टी दे सकते हो, कॉम्बो बॉक्स को मतलब सबको आप ये स्क्रॉल बार दे सकते हो। स्क्रॉल बार से आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे कि आपने ये स्क्रॉल बार नीचे किया तो अलग अलग कलर आ रहे हैं, ऐसा ऐसे भी आप कुछ प्रोग्राम है वो भी आप कर सकते हो। तो ये सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्क्रॉल बार का, तो आप ये देख सकते हो। तो मल्टी लाइन है, मतलब जो स्क्रॉल बार है तो ऐसा आता है स्क्रॉल बार। तो उसके बाद में आता है हमारा डेट टाइम पिकर। तो ये है, ये हमें सिंपल इसका यूज क्या है कि हमें प्रोग्राम में तो अगर कुछ डेट की जरूरत पड़ती है तो ये हमें डेट प्रोवाइड करता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए इस एरो पे, तो एरो पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, उसमें डेट वगैरह रहती है, एक कैलेंडर रहता है, वहां से आप डेट टाइम पिक कर सकते हो। तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हम डेट टाइम ले सकते हैं, और आपको अगर कुछ वैल्यू सेट करनी हो उसको डायरेक्टली, तो आप ऐसे भी आप उसको स्ट्रिंग में दे सकते हो। और ये डेट टाइम, उस डेट टाइम में जो वैल्यू है वो भी आप एक आध वेरिएबल में भी ले सकते हो, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो उसके बाद में जो डेट टाइम का फॉर्मेट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये ऐसा आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, तो इससे भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो उसके बाद में आता है हमारा ट्री व्यू कंट्रोल, जो हमने देखिए अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हो, ये भी एक ट्री व्यू है, देखिए ऐसे ऐसे हम इसको ओपन करते हैं, तो ऐसे ऐसे जो मतलब ये एक तरह की ट्री है हमारी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो ट्री देखते हैं, ये माइनस होता है तो उसके सब चाइल्ड ऐसे ऐसे हमारे चाइल्ड निकल आते हैं, तो ये ऐसा रहता है ट्री व्यू कंट्रोल। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, तो ट्री नोड मतलब इनको ट्री के ये जो रहते हैं इनको आप नोड्स बोल सकते हो। तो ट्री व्यू कंट्रोल क्या है, यही सिंपल यूज है, हमको कुछ भी एक बड़ी लिस्ट एक एकदम शॉर्ट में दिखानी हो तो तब हम ये ट्री व्यू कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये सिंपल प्रोग्राम है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो उसके बाद में आता है हमारा लिस्ट व्यू कंट्रोल, जिसमें हम लिस्ट कर सकते हैं कुछ आइटम्स की वगैरह, प्राइस क्वांटिटी की, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो ऐसा आप उनका लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट व्यू ये डिटेल दिखाता है हमको, उसमें हम लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन वगैरह, टाइटल वगैरह दे सकते हैं, और यहाँ पे उसको ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, और उसमें मतलब एक आध स्ट्रिंग में या कुछ उसका करके हम ये कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोग्राम भी है इधर छोटा सा,
और लिस्ट व्यू में से आप एक अलग आइटम ले सकते भी है, जो जैसे कि प्रॉपर्टी है सिलेक्टेड आइटम, तो उससे आप वो आइटम ले सकते हैं। तो लिस्ट व्यू के लिए एक सिंपल और थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन अच्छा प्रोग्राम है, आप इसको ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद में आता है मेनू कंट्रोल, जो मेनूज रहते हैं हमारे मेनू यानी क्या मेनू ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फाइल एडिट व्यू वगैरह जैसे मेनू आते हैं, वैसे ही ये मेनू कंट्रोल है। तो इसमें से हम मेनू तैयार कर सकते हैं, जिसमें से हम हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं, तो आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसा भी आप उसमें लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट मेनू स्ट्रिप वगैरह आप उसमें लिख सकते हो। तो ये यहाँ से टूल बॉक्स में से ये मेनू स्ट्रिप ऑप्शन रहता है, उसको आप उठा के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब टाइप हियर पे क्लिक किया, तो वहाँ पे आप उसका आइटम्स ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपल एग्जांपल है इसके लिए, तो आप देख सकते हो उसको। उसके बाद में आता है MDI फॉर्म, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। जी जैसे कि अगर मैंने कुछ और फाइल्स ओपन की, तो यहाँ पे और एक टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो ऐसा ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है, मतलब एक ही विंडो में बहुत सारे फॉर्म्स आप ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए एक ये मतलब एक ही फॉर्म में आप बहुत सारे फॉर्म ओपन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे आप फॉर्म्स ओपन कर सकते हो। तो यही ये इसका यूज है, और उसके लिए ये सिंपल प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो, तो इससे ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद में आता है कलर डायलॉग बॉक्स। तो कलर डायलॉग बॉक्स बेसिकली हमको कलर चूज करने के लिए यूज होता है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करता है सिर्फ, और बैकग्राउंड वगैरह कुछ कलर होंगे तो वो भी आप चेंज करवा सकते हो। तो कलर डायलॉग बॉक्स आप ऐसे ला सकते हो, और उसमें 32 बिट्स के RGB कलर्स होते हैं, और हेक्साडेसिमल कलर्स भी आप सेट कर सकते हो। और कलर डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आप ऐसा ये सिंपल प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो उसके बाद में आता है फन डायलॉग बॉक्स। फन डायलॉग बॉक्स कुछ लेटर टाइटल के लिए, कुछ भी हमारा जो टेक्स्ट रहता है बटन के ऊपर का, उनको फन चेंज कराने के लिए फन डायलॉग बॉक्स हमारा आता है। तो फन के उसको भी ये सिंपल प्रोग्राम है, तो उससे हमारा फन डायलॉग बॉक्स आता है। उसके बाद में आता है हमारा ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स का यूज सिंपल है, हम कुछ भी फाइल ओपन कर सकते, जैसे कि मैंने फाइल पे गया, ओपन पे गया, तो एक ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आता है। तो हम इस यहाँ पे कुछ फाइल सिलेक्ट करके वो आप ओपन कर सकते हो, तो ऐसा ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स है। तो ये कुछ फिल्टर भी रहते हैं, उसमें आपको जो टेक्स्ट फाइल चाहिए तो आप टेक्स्ट ही फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप कुछ अदर फाइल PDF फाइल वगैरह चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब फिल्टर कर सकते हो। तो ये ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स है, और उसको लाने के लिए ये ऐसा सिंपल कोड है। उसके बाद में आता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जो आपको आपका फॉर्म में कुछ भी, मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें आपको अगर कुछ प्रिंट कराना हो, तो ऐसा आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स ला सकते हो। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में क्या, सिर्फ प्रिंटिंग का वो काम करता है हमारा, और वो हमारा देखिए यहाँ पे ये सिंपल एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स है, और उसमें प्रिंटिंग की रेंज, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो प्रिंटर है, यहाँ पे आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हो, प्रिंटर का नेम, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो, और उसका जो स्टेटस है वो आप देख सकते हो, उसका टाइप क्या है और वो कहाँ पे है उसका, और प्रिंट फाइल, प्रिंट टू फाइल ऐसा भी कर सकते हो, और मल्टीपल कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर्स बढ़ा सकते हो, ये प्रिंट फाइल डायलॉग बॉक्स है।
फ्रीन डायलॉग बॉक्स में, और उसके बाद में तो इस तो ये आप ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।